सब लोग ऐसा मूवमेंट देखो, खुद से करो कैलकुलेट, खुद से करेगा तो होने वाला एग्जाम। चेक प्रॉपरली नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट, पार्टनर कैपिटल, प्रेम कैपिटल एंड सागर कैपिटल 7691851557 8475 tallies on. Sorry. 128475 tallies on. 150 1 5 0 1 5 0 7 1 0 7 1 5 1 0 7 5 asset side देख लो, ओके, व्हाट वाज द डिफरेंट एलिमेंट इन दिस सम? लोन, लोन, बाकी तो सब नॉर्मल था, एडजस्टमेंट एक ही था, पार्टनर्स लोन, पार्टनर बोले तो प्रेम या सागर, उसका कुछ लोन दिया तो 6% से इंटरेस्ट करना पड़ेगा, इवन इफ नॉट स्पेसिफाइड। व्हाट यू टू टेक 16 सम, सम नंबर 16 पेज 35, सम नंबर 16 पेज 35 देख के बताओ मेरे को, 16th sum page 35 check and tell me guys, will you make capital account or current account? Question में दोनों है तो दोनों बनाने का this is fixed capital or fluctuating capital? Fixed capital, so all the changes now you will do in current, correct? I think some of the dalal raja wale, yes, so we made current account, okay, same over here also we make करंट अकाउंट एंड कैपिटल कहाँ जाएगा इन दिस? डायरेक्टली लाइफ। विल यू मेक एनी चेंजेस? नो। खाली ऊपर नाम चेंज करके कैपिटल का क्या कर देगा? करंट एंड ऑल चेंजेस इन करंट, और करंट का भी बैलेंस लास्ट में जाएगा बैलेंस शीट। क्यों करते हैं ऐसा आपको बताया था मैंने यहाँ पर, व्हाई डू वी मेक कैपिटल सेपरेटली करंट सेपरेटली? कैपिटल फिक्स कैपिटल, शुरुआत में जो डाला है वो फिक्स रहना चाहिए, ऊपर का सब चेंजेस करंट, तो इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर दिखाई दे।
शुरू में कितना डाला था और बाद में चेंजेस कितना हुआ. ओके, सो दिस सम यू विल मेक कैपिटल, यू विल मेक करंट अकाउंट. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन है पार्टनर्स? अजीत एंड सुजीत. अजीत एंड सुजीत पार्टनर्स पर वो में कहा है, टेल मी अजीत एंड सुजीत शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3. सो व्हाट्स योर पीएसआर? 2:3. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3. मिला स्टार्टिंग विद दीप मानुष अली. कैपिटल ऑफ अजीत सुजीत कहां जाएंगे यहाँ? कैपिटल ऑफ अजीत सुजीत करंट में, तो करंट का बैलेंस जाएगा, वो तो अलग ही है. कैपिटल कहां जाए? लायबिलिटी. जब भी करंट अकाउंट ओपन करते हो कैपिटल सीधा लायबिलिटी. एलएल लिखो उधर, एलएल. कैपिटल का बैलेंस ऊपर लिखना है कि नहीं लिखना है? बैलेंस में लिखना ही है. बैलेंस में किसका बैलेंस आएगा? करंट. कैपिटल सीधा लायबिलिटी, एलएल. करंट अकाउंट ऑफ अजीत एंड करंट अकाउंट सुजीत. लेकिन ध्यान से देखो उधर, एक डेबिट में एक क्रेडिट. क्यों ऐसा? एक डेबिट में एक क्रेडिट में 5,000 देवाना. 15,000 क्रेडिट में वो देने गए, 5,000 लेने गए. मतलब उसने ज्यादा ड्रॉइंग्स कर लिया हो पिछले साल में ना, ज्यादा इसलिए डेबिट वाले. पर टेंशन वाली बात नहीं है, ऊपर कैपिटल क्रेडिट में दिख रहा है ना. मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस को लेना है पूरा. कैपिटल का पैसा उसको देना भी बाकी. तो बोलने का मतलब कैपिटल अकाउंट जो होगा उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल. बट करंट में ना दोनों हो सकता है, कभी डेबिट कभी. तो साइड देखना, अजीत का कौन से साइड पे दिया है? ट्रायल बैलेंस डेबिट. तो किधर लिखने का? बाय बैलेंस बीडी की टू बैलेंस बी टू बैलेंस. और सुजीत का किधर दिया है? क्रेडिट में. तो क्या लिखने का? बाय बैलेंस. समझाइए, तो साइड देखने का. ट्रायल बैलेंस में अजीत का कौन से बाजू दिया है? डेबिट. तो क्या लिखने का? टू बैलेंस बी अजीत का कॉल. और सुजीत का क्या लिखेगा? बाय बैलेंस सुजीत कॉल. सो करंट कैन हैव बोथ द बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट. ओके, कभी ड्रॉइंग ज्यादा हो गया तो डेबिट भी लिख सकते हैं. बट टेंशन वाली बात नहीं है, ऊपर कैपिटल क्रेडिट पड़ा हुआ है. स्टॉक ऑन 1st January 2016 विच स्टॉक इज दैट? ओपनिंग स्टॉक. कलश ओपनिंग स्टॉक टीडी. अच्छा, वो बैलेंस लिखा करंट का. अजीत का लिखना है सीयूडी और सुजीत का लिखेगा सीयूसी. बराबर, एक का डेबिट एक का क्रेडिट. स्टॉक इज ट्रेडिंग डेबिट. सन्डे डेटर्स ग्रुमिल एसेट. सन्डे क्रेडिटर्स परचेजेस टीडी. आरडीडी विच आरडीडी इज दिस? मेक समझाओ अमित. आरडीडी इज ओआरडीडी. ओआरडीडी है तो क्या करने का? माइनस फ्रॉम पीएनएल डेबिट. माइनस फ्रॉम पीएनएल डेबिट. फैक्ट्री रेंट टीडी. सेल्स टीसी. वेजेस टीडी. डिस्काउंट ध्यान से पढ़ के बताओ आशना. वेरी गुड. पीएनएल डेबिट की क्रेडिट वाय क्रेडिट साइड पे दिया. परफेक्ट, पीएनएल क्रेडिट. फर्नीचर एंड फिक्स्चर में तने फर्नीचर एंड फिक्स्चर इज एसेट. देन ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल डेबिट. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स. मशीनरी एसेट्स. एडवर्टाइजमेंट पीएनएल डेबिट. इधर बैड डेट्स पीएनएल डेबिट. ऋषि कैश एट बैंक एसेट्स. ड्रॉइंग्स ऑफ सुजीत सीयूडी करंट डेबिट. अब सब चेंजेस किसमें करने हैं? करंट. कैपिटल में कोई चेंज नहीं गए. कैपिटल चुपचाप रिटायर्ड सिटीजन के जैसा ट्रायल बैलेंस में ना लायबिलिटी में जाके बैठा है. आईपीएल देख रहा है मस्त. उसमें कोई चेंजेस नहीं करते. देन 12% बैंक लोन आपने ली दीजिए. लाइव तो बैंक का लोन आपने बैंक का लोन आप बैंक अंबानी हो जाएगा तो बैंक को देना. अपन फिलहाल तो बैंक से लोन ले रहे हैं, क्रेडिट साइड में देना लायबिलिटी है. तो डाल देने का लायबिलिटी में परसेंटेज क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हिडन एडजस्टमेंट. जब भी कोई हिडन एडजस्टमेंट देता है हम लोग क्या करते हो? नोट बनाते हो. क्या है नोट?
क्या शॉर्ट फॉर्म फॉर हिडन एडजस्टमेंट ऑफ परसेंटेज क्या करते हो आप? सी 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 बोले तो क्या? कैलकुलेट चेक कंपेयर. देखो उधर क्या दिया है, 12% बैंक लोन आपने 1/7/16 को लिया हुआ है, कितने का है? 9000. पहला सी क्या है? करो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन. 9000 पे 12% कितने महीने का? 6 महीने. व्हाट इज योर ईयर एंडिंग? 31st December. ऊपर चेक करो, ट्रायल बैलेंस के ऊपर चेक करो. 31st December है कि 31st March है? दिसंबर है, बराबर. तो 9000 पे 12% 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? आपने जुलाई को लोन लिया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना वापरा? 540, राइट? 540 इंटरेस्ट देना है कि लेना है? देना है, देना है. अभी चेक करो, हैव यू पेड एनी इंटरेस्ट? हैव यू पेड एनी इंटरेस्ट? नो. होता तो कहा दिखता? ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड पर दिखता, राइट? हैव यू पेड एनीथिंग? दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन? कुछ भी नहीं दिया है. देना था 540, कुछ भी नहीं दिया है हेतांश. कंपेयर करो इसको, देना था 540, एक रुपया नहीं दिया है, तो पूरा का पूरा 540 क्या हो जाए? 540 आउटस्टैंडिंग. परफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा 540. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग? What are the two effects of outstanding interest? Add to interest and liability. अभी अभी क्या ना, सागर्स लोन, same thing we have repeated. So add to interest and liability में add to loan. बराबर? इस दो वहां पर add to interest and liability. Interest add करने के लिए कुछ है नहीं, तो directly लिख दो. To outstanding interest and liability. Next is carriage inwards. Trading debit. Carriage on sales. अबे, carriage on sales. Sales. कैरेज ऑन सेल्स मतलब सेल्स का कैरेज का खर्चा, पीएनएल है. सेल्स का एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं जा रहा, पूछा जा रहा है परचेज एंड प्रोडक्शन. कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स, सब पीएनएल डेबिट. प्रहलाद मोटर का एसेट. एडजस्टमेंट नंबर वन, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 16600. आई विल आस्क भूमि दोषी, क्लोजिंग स्टॉक 16600, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. Next one is a bit tricky. Krina, would you like to try? A new machinery of 15,000 was purchased on 1st October 2016, which was unrecorded. Yes, you will add to machine because it is unrecorded. And what is the second effect? See, you have bought a machine. So machine to bada. Now always, agar adjustment mein kuch nahi hai, to kaise assume kare? Kaise khareeda? Cash pe khareeda ki credit pe khareeda? Credit, credit. एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया तो assume it is bought on credit. So machine बढ़ेगा and creditor भी बढ़ेगा, पैसा देने का बढ़ जाएगा. जैसे आप मुझे बताओ unrecorded purchase of goods क्या करते हो? Unrecorded purchase, add to purchase, add to credit. वैसे unrecorded purchase of machine, अपनी machine credit पे करते हैं. Add to machine, add to credit. Add to machine, add to credit. लिख दो उधर, add to machine, add to creditor. ऊपर मशीन दिख रहा है आपको 19,000, उसमें ये 15 ऐड हो जाएगा. दिखा? क्यों ऐड होगा? क्योंकि अनरिकॉर्डेड दिया. क्या दिया है? अन, तो आपने रिकॉर्ड किया. अभी 19 का ओरिजिनल मशीन है मिला, 15 का और आ गया, 34 हो जाएगा. अब उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन दिया है नीचे, डेप्रिशिएट फर्नीचर, मशीन एंड बिल्डिंग एंड मोटर कार, चारों पे डेप्रिसिएशन है. इफेक्ट तो सिंपल है, लेस फ्रॉम एसेट पी एन एल डेबिट. लेकिन मशीन पे कैसा करना है डेप्रिस? दोनों पे 12 महीने का ले लोगे? नहीं, ओरिजिनल वाले पे 12 महीना, 19,000 वाले पे 12 महीना, बट 15,000 वाले पे कितना महीना? व्हेन हैव यू बॉट इट? 1st October. एंड व्हाट इज द ईयर एंड?
दिसंबर, तो सोचो कितना महीना यूज किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 months. सो दूसरे वाले 15,000 वाले पे कितना डेब्री लेना है? 3 महीने. पहले वाले पे 1 year. Got it? तो while calculating depreciation, you will have to show the depreciation separately. Working out में दिखा दो तो भी चलेगा. Depreciation on machine. आपका दो मशीन है, M1 and M2. M1 कितने का है? 19,000. उस पे 10% 10 है ना मशीन पे. 19,000 वाले पे कितना महीना? 12 महीना. और एडिशनल कितना लिया? 15,000 वाले पे 10%, बट फॉर हाउ मेनी मंथ? व्हाई 3 months रिड्यूसिंग? अनरिकॉर्डेड वाला कभी खरीदा है? फर्स्ट अक्टूबर को खरीदा है. तो इसमें 3 ही महीना आएगा. तो 1125 आ रहा है. इज दैट राइट? नहीं, टू सेवन फाइव. तो आपका सीधा डेब्री आप माइनस कितना करोगे प्लांट में से? 227. ऐसा क्यों किया अलग अलग, एक ऊपर वाले पे अलग और इस वाले पे अलग, ऐसा क्यों किया? डेट दिया था परचेज का, फर्स्ट अक्टूबर. इसके बोलो भाई, डाउट था? एक्सप्लेन तो करने में हो गया. बोलो डेप्रिसिएशन. देखो अभी ध्यान से, चारों का डेप्री दिया है, लेकिन मोटर कार इज वैल्यूड एट 17,000 दिया है. तो मोटर कार पे 17,000 का डेप्री मारना है. आउटर कॉलम वैल्यू, ऊपर देखो मोटर कार कितने की दी, 17,250 है. 17,000 से डेप्री मत कर देना, 250 इज डेप्री. 17,000 की गाड़ी पड़ी है, तो लोग 17,000 से डेप्री कर देते. गाड़ी इतने से इतनी होगी, दरवाजा बचेगा पहले, बेच के आना उसको 250 को, वो भी नहीं आता है. नेक्स्ट, फैक्ट्री रेंट वॉज पेड अप टू नवंबर ओनली. ये क्या अर्थ हुआ? साल खत्म हुआ है दिसंबर में, तूने नवंबर तक पे किया, तो आउटस्टैंडिंग हुआ कि प्रीपेड हुआ? कितना महीने? ऊपर पढ़ो फैक्ट्री रेंट का अमाउंट कितना दिया है. फैक्ट्री रेंट 11,000 दिया. 11,000 इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 11,000 इज फॉर 11 months. 11,000 इज फॉर 11 months. वर्किंग नोट 3, फैक्ट्री रेंट 11,000 इज फॉर 11 months. सो 1 month का कितना बराबर है? वॉट इज दैट 1,000? प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग रेंट. Are you able to recognize this? November बोले तो 11 महीना, 11 महीने तक पे किया है, 1 महीने का बाकी है. What are the two effects of outstanding rent? Add to rent and liability. लिख दो उधर, add to rent and liabilities. Add to rent and liabilities. Copy the notes. Then, goods of 900 were distributed as free samples. Sakshi. Goods distributed as free samples. P&L debit, advertisement, and goods gaya. Goods lost, goods distributed as sample, goods trading credit and P&L debit. Goods jaate hai kahin pe bhi to pehla effect hota hai trading credit. फिर गया है एडवर्टाइजमेंट, तो पीएनएल डेबिट इनडायरेक्ट एक्सपेंस. बैड डेट्स रिटन ऑफ फॉर 500 एंड प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर 1% ऑफ डाउटफुल डेट्स. अविष्का, व्हाट आर दीज टू आइटम्स? समझा सबको? एफपीडी एनआरडी डेबिट रिकॉग्नाइजेबल है, रिटर्न ऑफ दिया है तो एफपीडी, रिजर्व दिया है तो एनआरडी, नीचे दिया है दोनों तो एफपीडी एनआरडी, ऊपर दिया तो बीडी और ओआरडी. ऊपर का रिजर्व इज ओआरडी, ऊपर का बैड डेट्स इज बीडी. एफबीडी एनआरडी, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? ऐड टू बैड डेट्स फॉर्मूला एंड माइनस फ्रॉम डेटर्स. लिख दो वहां पे माइनस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेट्स फॉर्मूला. मूविंग अहेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5%.
Ashna, interest on capital, low effects. PNL debit and capital credit. Meera, interest on drawings. Interest on drawings. Prem Sagar, 220 and 225 and 250 rupees. Yera. PNL credit and capital debit. Capital ke jage kidhar likhega? Current. Sab kuch current. So PNL credit and current debit. PNL credit and current debit. Interest on capital ka bhi same. PNL debit and current credit. PNL debit and current credit. Ab mere paas baat batao. 100 baat ki ek baat. Fatafat batao. Interest on capital. तो 12 महीने का लेते हो आप, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6 महीने, यहाँ पे परसेंटेज साइन दिया है, तो आपको 6 महीने का लेना पड़ेगा। कितने महीने का? 6। दोनों के ड्रॉइंग्स पे 6-6 महीने का इंटरेस्ट। कैलकुलेशन में बोर्ड पे दिखाऊंगा, ये याद रखना 6 महीना। व्हाट इज द रीजन फॉर 6 मंथ्स? पता नहीं कभी थोड़ा 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 करके आप विड्रॉ किया है। एक साथ विड्रॉ किया होता तो 12 महीने का लग जाता, ऐसा होता नहीं है। लेकिन थोड़ा 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 करके आपने विड्रॉ किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट आधा कर देंगे, एवरेज आउट कम कर देंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का इंटरेस्ट लेते हो, 12 महीने का नहीं। किस पे? ड्रॉइंग्स। कैपिटल पे हमेशा 12, कैपिटल तो शुरू से पढ़ा, ड्रॉइंग्स पे 6 महीने। कीप दैट इन माइंड। लिख दिया इफेक्ट, करंट डेबिट एंड पीएनएल क्रेडिट, डन। डॉट्स दे दो फटाफट, पुट अ डॉट ऑन मशीन, टू डॉट्स ऑन मशीन। अच्छा, मशीन पे वो परचेज भी है और डेब्री भी है। पहले क्या कर, बाद में डेब्री एड भी है। मशीन पे दो, क्रेडिटर्स पे, मशीन पे दो, क्रेडिटर्स पे, फर्नीचर पे एक, बिल्डिंग पे एक, मोटर कार पे एक, फर्नीचर बिल्डिंग मोटर कार एक एक एक, फर्नीचर बिल्डिंग मोटर कार एक एक एक, फैक्ट्री रेंट पे एक, फैक्ट्री रेंट चौथा आइटम है ऊपर से, डेटर्स पे दो, डेटर्स पे दो, डेटर्स पे दो, एडवर्टाइजमेंट पे, चाहे एडवर्टाइजमेंट पे सैंपल्स ऐड कर, एडवर्टाइजमेंट पे, डेटर्स पे दो, फिर लोन पे 12% बैंक लोन पे एक। बोला, आई विल रिपीट। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू डॉट्स ऑन मशीनरी, वन डॉट ऑन क्रेडिटर्स, वन ऑन फर्नीचर, वन ऑन बिल्डिंग, वन ऑन मोटर कार, वन ऑन फर्नीचर बिल्डिंग एंड मोटर कार, देन वन ऑन फैक्ट्री रेंट, वन ऑन एडवर्टाइजमेंट, फैक्ट्री रेंट पे, एडवर्टाइजमेंट पे, डेटर्स पे दो, एंड बैंक लोन पे। ठीक है, 12% बैंक लोन पे। नोट्स कॉपी कर लो।